गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग येट अनदर एपिसोड ऑफ स्माइल विद मी। यस, आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज क्वेश्चन आंसर सेशन ना लेते हुए आज रहेगा मेरा वेडिंग एल्बम वीडियो। यस, लास्ट वीक मेरी बेटी थोड़ा सा बीमार थी, तो हम आ गए हैं मेरे मम्मी के यहाँ पे जो पास में ही है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ काम करते समय मिला मेरा वेडिंग एल्बम। देन आई थॉट कि मैं इस बार आपके लिए करूँ मेरा वेडिंग एल्बम वीडियो। मेरी शादी हुई थी 2017 में फेब्रुवरी में, एंड ये जो एल्बम है वो मम्मी के यहाँ पे ही रहता है। सो मैं ये घर पे भी नहीं लेके जाती। सो आई थॉट कि आज ये बेस्ट वीडियो रहेगा आपके लिए। सो मेरा वेडिंग एल्बम जो है वो हल्दी और वेडिंग का अलग से है। मैं आपको दोनों दिखाऊंगी, बहुत ऐसे छोटे छोटे ग्लिम्पसेस आपको दिखाऊंगी, और जो नॉन गोवंस है उनको पता चलेगा कि गोवा में कैसे क्या रहता है शादी का पूरा माहौल। तो आइए बढ़ते हैं अभी वेडिंग एल्बम्स की तरफ। सबसे पहले बढ़ते हैं मेरे हल्दी एल्बम की तरफ। तो ये है हल्दी एल्बम कवर जो उसका था वो। सो मैं इसको अलग से करती हूँ एंड आई कीप दिस असाइड। ओके, एंड इट वाज वेरी हैवी। हल्दी सेरेमनी ऑफ श्रद्धा, और मेरी हल्दी हुई थी 12th of Feb को, मतलब प्रीवियस डे वेडिंग से। एंड दैट्स मी। सो ये मेरा कवर फोटो है। एंड उसके बाद दिस इज माय फर्स्ट साड़ी। एक्चुअली ये साड़ी मुझे इन लोगों की तरफ से ही गिफ्ट की थी जब वो मेरे घर पे पहली बार आए थे। सो यस, ये वो साड़ी है। एंड उसके बाद पता नहीं वो क्या उनका प्रोसेस चलता रहता है, लाइक बार बार साड़ी चेंज करना पड़ता है। सो ये मेरी सेकेंड साड़ी थी। एंड दिस इज वन। हल्दी को मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था। सो यस, ये मेरा वेडिंग का कार्ड था। सो दैट्स माय मॉम्स हाउस एंड दैट्स मी इन माय फर्स्ट साड़ी। जब हम लोगों ने ड्रेसअप किया था तो पहला फोटो जो था वो ये फोटो था। एंड उसके बाद ये सारी तैयारियां थी हल्दी सेरेमनी से पहले। एंड ये सारी फोटोज जो है वो मेरे कजन्स के साथ है। उसके बाद ये जो है वो चूड़ा सेरेमनी था। सो उसका एक फोटो यहाँ पे है। एंड दिस इज एक्चुअल चूड़ा सेरेमनी, जब मेरे रिलेटिव्स जो है वो मुझे चूड़ा पहनाते हैं। एंड एक्चुअली एंगेजमेंट नहीं हुआ था हमारा पहले, तो हम लोग चूड़ा सेरेमनी एंगेजमेंट कम हल्दी का जो पूरा प्रोसेस था वो उसी एक दिन में जो है वो कवर हुआ था। एंड दैट्स माई कम्प्लीट लुक। सो एंगेजमेंट था जिसको मराठी में साखर पुड़ा भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। सो दिस इज साखर पुड़ा सेरेमनी। सो हस्बैंड के यहाँ से आपको जो है ये ऐसा कवर्ड जो है आता है। एंड देन उसके बाद पूरा प्रोसेस रहता है जो हमारे घर में करते हैं। एंड दैट्स माई ब्यूटिफुल पिक्चर। और उसके बाद ये सारे ग्लिम्पसेस है जो भी प्रोसेस रहा हल्दी का वगैरह। एंड दैट्स इट। मैं आपको सारे नहीं दिखाऊंगी, जो मेजर ऐसे ग्लिम्पसेस है। ये एक्चुअली ये हमारा बैकग्राउंड है पीछे, गैलरी के पीछे, और बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीनरी के साथ बैकग्राउंड बहुत ही उठ के आ रहा है। एंड दैट्स मी। और ये हम लोगों ने आई थिंक ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, आई डोंट रिमेम्बर, बट फ्लिपकार्ट से रहेगा मोस्टली। ये जो प्रॉप्स है वो वेडिंग प्रॉप्स थे, कुछ 35 प्रॉप्स रहेंगे। सो ऑल टुगेदर हम लोगों ने वो किया था। सो ये सारे प्रोसेस के बाद अभी शुरू होता है मेरा हल्दी का। सो सिंस इट वॉज हल्दी, तो मैंने येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ था। एंड दिस वॉज माई फेवरेट ड्रेस। ओके, बट देन इट वॉज माई हल्दी, सो मुझे ये पहनना पड़ा ड्रेस। ये जो है वो हल्दी, उसको डेकोरेट अच्छे से किया था। एंड दैट्स मी जो मुझे हल्दी लगाते हैं। एंड दैट्स माई मॉम जो मुझे हल्दी लगा रही है।
एंड उसके बाद सारे फैमिली मेंबर्स जो है वो हल्दी लगाते हैं। इस पिक्स में मेरे सारे कजन्स है, मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वगैरह है, एंड येट अनदर पिक सारे मेरे रिलेटिव्स है, एंड दैट्स मी। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है यू नो जब हल्दी सेरेमनी होती है तो, एंड दैट्स अनदर पिक। मैं ये ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी बिकॉज सी ये जो है वो पूरा फैमिली का है, सो आई वोंट शो यू मच। ये फैमिली पिक था हमारा, बहुत ऐसे रफ, एंड दैट्स ब्यूटिफुल। एंड मेरा जो फोटोग्राफर है उसने जगह जगह पे बहुत अच्छे से ये कोट्स उसने बहुत सही जगह पे डाले हैं, और वो और भी उभारता है और भी निखारता है मेरे इस एल्बम को। तो यहाँ पे उसने हल्दी रिलेटेड जो कोट्स जो है वो डाला था, एंड इट परफेक्टली मैच करता है मेरे वेडिंग हल्दी के एल्बम को। इस फोटो के साथ जो है वो मेरा वेड हल्दी का एल्बम जो है वो ख़त्म होता है। एंड ये कोट जो है मैं आपको दिखाऊंगी, हरद असे जरी तुझा अंगी मला भासे थी चंदना परी, एंड दिस इज रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा कोट है, मुझे उसके कोट जो है वो बहुत ही अच्छे लगे, बहुत अच्छे से सूट करता है वो पूरे उस हल्दी सेरेमनी को। एंड दिस आर माई टू सारीज के साथ जो पिक्स है और ये वो है। सो अभी तो अभी बढ़ते हैं मेरे वेडिंग एल्बम की तरफ। सी ये बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है, उसका एल्बम ही नहीं है बट उसका कवर भी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। एंड हमारी शादी हुई थी 13th of February 2017 को, और ये हमारा ब्यूटीफुल सा पिक है, एंड रियली क्यूट कलर और डिज़ाइन है इसका। हमारा फोटोग्राफर था मिस्टर राजेश आजगांवकर, एंड वो गोवा से ही है, बिचोलिम से है, एंड दो दिन उसने मुझे बेयर किया था बिकॉज मेरा लाइक बिल्कुल भी मैं बिल्कुल भी पोज नहीं कर सकती फोटोज़ के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसके साथ काम करके, बिकॉज़ यू नो पूरा दिन आपको फ़ोटोज़ के लिए पोज करना पड़ता है, और जितना पेशेंस फोटोग्राफर को लगता है, आई एम लाइक हैड्स ऑफ टू यू राजेश। बहुत ही ब्यूटीफुल उसने फ़ोटोज़ और मेमोरीज बनाए हैं हमारे लिए, जो आई थिंक लाइफ टाइम हमारे साथ अभी रहेंगे। एंड आई थिंक राजेश हमारा फैमिली फोटोग्राफर भी है, बिकॉज हमारे मेरे शादी के बाद जो भी यू नो वेडिंग्स हुए हैं सारे फोटोज़ जो है उसने क्लिक किया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी सर्विस वो प्रोवाइड कराता है। एंड येस तो अभी बढ़ते हैं हमारे ब्यूटीफुल मेमोरीज की तरफ। सी दिस इज़ द फर्स्ट फोटो। सो ये है हमारा फोटोज़ उसके साथ, ये और फोटोज़ है, एंड इसने बहुत ही अच्छा थॉट लिखा है मराठी में, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मैंने ये देखा बिकॉज मुझे मराठी लैंग्वेज बहुत पसंद है, यू नो मोर देन माय मदर टंग। सो ये जो है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है मेरे पूरे वेडिंग एल्बम। एंड दिस इज़ ये फुल फोटो मेरे हस्बैंड के साथ। इनिशियली हम लोग अलग एड्रेस में रहते हैं, मैंने लाइक लहंगा प्रेफर ना करते हुए दोनों बार भी मैंने साड़ीज ही प्रेफर किया था। सो यो या दैट्स मी, और ये अलग अलग कुछ पोजेस उसने बनाए थे मेरे लिए, इन विच आई वॉज लिटरली आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। सो ये उसका फर्स्ट जो था वो ड्रेस ये था, and that's me. She is, look at this, that's my mom, dad, और ये है मेरी girl sister, और ये मेरी cousin sister है, and ये मेरा cousin brother है, and she is my family friend. So yes, some more picture of us. तो ये before शादी शुरू होने से पहले जो वो
ड्रेसिंग रूम में ये फोटोज़ जो है वो सारी क्लिक की गई थी। एंड ये मेरा फेवरेट पिक है बिकॉज बहुत अच्छे से पोज भी हुआ है और बहुत अच्छे से वो उभर के भी यू नो यहाँ पे दिख रहा है। एंड दिस इज़ माय मेहंदी। ये मैंने उसको स्पेशली डिमांड किया था ये डिज़ाइन की मेहंदी बनाने के लिए बिकॉज मैंने बहुत पहले बहुत लोगों के हाथ में ऐसा देखा था और उस टाइम वैसे ट्रेंड भी चल रहा था। सो आई वांटेड टू गो विद द ट्रेंड और इसलिए मैंने ये जो है मेरी मेहंदी बनाई थी। एंड ये कुछ और पिक्स है, रैंडम पिक्स है ये। एंड उसके बाद ये एंट्रेंस में जब यू नो दूल्हा ग्रूम जब एंटर करता है तो तब के पिक्स है। एंड दिस इज जब एक्चुअल विधि चल रही होती है, शुभ मंगल सोहरा जिसको यहाँ पे उसने लिखा है, तो उस टाइम का ये पिक है। एंड दिस इज गेट अनदर पिक। सो ये जो है और ये जो है वो मेरा फेवरेट फोटो है सब में से। एंड ये जो है उसने बहुत अच्छे से इसने यहाँ पे उसको वर्कआउट किया है। पता नहीं मेरा वीडियो जूम नहीं हो रहा है जी। यस ओके ओके, ये फोटो ही ऐसा है। मुझे लगा क्यों मेरा जूम नहीं हो रहा है। दिस इज अनदर पिक और ये है मिस्ट नाइक के साथ मेरा फोटो। यस मैं उसको नाम से नहीं बुलाती हूँ, ना ही मैं उसको और किसी नाम से बुलाती हूँ। मैं जस्ट उसको मिस्टर नाइक ही कहती हूँ बिकॉज हमारा सरनेम जो है वो नाइक है। एंड यस ये और एक पिक्चर है उसका, बहुत ही शाइनिंग ऐसा ये है, तो कुछ भी ऐसे डिफेक्ट नहीं है एल्बम को, बट उसका पेपर ही कुछ अलग है। मुझे पता नहीं कुछ तो बोलते हैं उसको यहाँ पे पेपर को, मुझे अभी मैं भूल गई कंप्लीटली। सो यस अभी जो है मैंने उसका लाइट जो है वो ऑन किया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। ये और एक पिक्चर है यहाँ पे एंड येट अनादर ब्यूटिफुल थॉट, नाते तुझे नहीं माझे जुड़ ले, कभी कसे मज ना कर दे। तो और ये जो है वो हम दोनों की फेवरेट पिक्चर है। बहुत ही अच्छा पोज हम लोगों को सजेस्ट किया था हमारे फोटोग्राफर ने और बहुत ही पसंद आया हम दोनों को ये पिक्चर, बहुत ही अच्छी आई है। एंड दिस इज द लास्ट फेज जिसको बोलते हैं कन्यादान। एंड ब्यूटीफुल पिक्चर यहाँ पे। एंड दिस इज एक्चुअल कन्यादान का जो है वो प्रोसेस चल रहा है। एंड लास्ट में जो है एक्चुअल विधि शादी की। एंड ये जो है वो मुझे मेरी फेवरेट है बिकॉज यू नो यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी हो रही है। सो ये मेरे सारे ब्रदर्स हैं जिन लोगों ने अपनी तरफ से यू नो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो बहुत ही अच्छे से उसने किया है। एंड मैं आपको थॉट एक बार दिखाना चाहूँगी, अग्निचा साक्षी ने बांध लिया रेशम गाठी। सो यस ये वही कुछ ग्लिम्सेस है जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एंड दैट्स अ रीज़न मुझे ये वाली विधि जो है शादी में वो अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे आई गेस ये लास्ट पिक थी, ये भी हमारी ऐसे हम लोग टायर्ड वाली पिक्चर थी। एंड ये लास्ट फोटो है शायद हो
हॉल में, बिकॉज उसके बाद हम लोग निकलने वाले थे. एंड लुक एट माई फेस, आई वॉज लाइक स्टॉप इट, ऐसी मेरी हालत हो गई थी. और उसके बाद आई थिंक हम लोगों ने लंच किया था. ये लंच था हमारा शाम को 6 या 6:30 बजे का, बिकॉज गेस्ट ख़त्म ही नहीं हो रहे थे. और उसके बाद हम लोगों ने पेट पूजा की थी. सो पूरा दिन इट वॉज लाइक हमारा फास्ट था. बीच बीच में ऑब्वियसली हमारे ब्रदर्स या फिर रिलेटिव जो भी थे वो हम लोगों को यू नो कुछ ड्रिंक्स वगैरह पास करे जा रहे थे, बट खाना एज सच हम लोगों को नहीं मिला था. ये जब हम लोग वहाँ से निकल रहे थे, एंड नियर बाई ही उसके मंदिर है शनि मंदिर, तो वहाँ पे हम लोगों ने ब्लेसिंग लेके हम लोग निकली थी. ये थॉट मैं आपको डेफिनेटली पढ़ के बताऊंगी. इथे संपली वाट एकटी थी, सोबत आता एक दूजाची, सुखी भारिया अर्धांगिणी माची, भागीदारी हो सुख दुख का ची. एंड येस, आई थिंक ये अच्छे से सम अप करता है मेरा एंटायर वेडिंग को, मेरी एंटायर मैरिड लाइफ को, बिकॉज येस दैट्स हाउ इट इज़. एंड आई थिंक ये 2 साल, ऑलमोस्ट 2.5 years आई गेस नाउ, बहुत ही यू नो अप्स एंड डाउन्स हम लोगों ने देखे है, बहुत ही ब्यूटिफुल मोमेंट्स हम लोगों ने जिए है एक साथ. एंड येस इट वॉज वंडरफुल टाइम. एंड होप करती हूँ कि आगे बहुत ही अच्छे यू नो टाइम हम लोग स्पेंड करें एक दूसरे के साथ. ये है मिस्टर नाइक, मैं उनको मिस्टर नाइक ही बोलती हूँ, बिकॉज अच्छा है नाम, आई लाइक इट. सो येस विद दैट इट्स एन एंड. एंड ये है लास्ट फोटो ऑफ माय वीडियो. And it was, yes, credit goes to Mr. Rajesh Asgaonkar. Thank you, Rajesh. Thank you for creating beautiful memories of my memorable event jo meri life mein hua. Thank you so much. I hope aaj ka mera video aap logon ko pasand aaya hoga. Please like kijiye, comment kijiye, apne doston ke saath zyada se zyada share kijiye. और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. अभी मिलते हैं अगले शुक्रवार को, तब तक बाय बाय एंड स्टे हैप्पी.